नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भक्ति काल और रीति काल में अंतर, भक्ति काल व रीति काल में अंतर। तो हम देखते हैं भक्ति काल का पहला बिंदु। भक्ति काल में नीति तथा वैराग्य की कविताएं लिखी गई। जो भक्ति काल था दोस्तों, इसमें नीति की बातें अर्थात जो हमारे काम आने वाली बातें हैं तथा वैराग्य अर्थात मोह माया से दूर रहने की कविताएं लिखी गई। रीति काल में स्त्री को माध्यम बनाकर श्रृंगार की रचनाएं लिखी गई। जो भक्ति काल के विषय थे वो थे ईश्वर और जो रीति काल के विषय थे वो थी स्त्री। अर्थात रीति काल में स्त्री को माध्यम बनाकर श्रृंगार की रचनाएं लिखी गईं। भक्ति काल का श्रृंगार अति सूक्ष्म श्रृंगार है, अर्थात ये समझने का श्रृंगार है और ये सूक्ष्म श्रृंगार है। ईश्वर के प्रति जो है वो सूक्ष्म श्रृंगार है। रीति काल का श्रृंगार स्थूल जगत का श्रृंगार है। स्थूल जगत मतलब पार्थिव जगत का श्रृंगार है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा व निर्गुण भक्ति धारा। जबकि रीति काल को तीन भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति बद्ध व रीति मुक्त। भक्ति काल का चौथा बिंदु है दोस्तों, भक्ति काल को भावना का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को दोस्तों भावना का स्वर्ण युग कहा जाता है और हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जबकि रीति काल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। रीति काल को हम कला का स्वर्ण युग कहते हैं क्योंकि इसमें स्त्री प्रधान रचनाएं लिखी गई, स्त्रियों की कलाओं को ध्यान में रखते हुए रचनाएं लिखी गई। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, संत रैदास आदि। जबकि रीति काल के कवि हैं दोस्तों घनानंद जी, केशवदास जी, बिहारी जी, पद्माकर जी आदि। धन्यवाद दोस्तों।